अभी हम मोहल्ला पहुंच चुके हैं और हम जा रहे हैं छुरिया बंजारी मंदिर, तो चले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि नेताम। आज मैं आया हूं माँ छुरिया बंजारी मंदिर मोहल्ला में, तो चलिए मैं आपको छुरिया बंजारी मंदिर के दर्शन कराता हूं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ बंजारी मंदिर छुरिया मोहल्ला में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बंजारी माता का मेन गेट है, कुछ इस तरह से है बंजारी माता का मंदिर। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेन रोड है जो कि चौकी से आती है, और ये छुरिया बंजारी मंदिर है। और ये जो अभी रोड देख रहे हैं, ये मोहल्ला मानपुर वाली है। यहाँ पे नारियल खरीदने के लिए दुकान बनी हुई है। ये मंदिर के सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये बंजारी माता का मूर्ति है, कुछ इस तरह से बना हुआ है बंजारी माता का मूर्ति, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर की जानकारी लिखी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर दानदाताओं के नाम लिखा गया है। यहाँ पर रुकने के लिए जगह बना हुआ है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम पहाड़ी वाली माता मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भैरव बाबा का मंदिर है। आप जब कभी पहाड़ी वाली मंदिर जाएं, तो भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करें। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये भैरव बाबा मंदिर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, भैरव बाबा का मूर्ति, और इसी के नीचे देख सकते हैं नंदी महाराज और शिवलिंग है। मैं आपको भैरव बाबा को जूम करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है भैरव बाबा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये अंबागढ़ चौकी जाने वाली मार्ग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं पहाड़ी वाली मंदिर की ओर। अब हम पहाड़ी वाले मंदिर जाने के रास्ते में आ चुके हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी को पार्किंग करना है और हमें आगे पैदल जाना होगा। ये वाली रास्ता देख रहे हैं जहाँ से हम अभी आए हुए हैं। यहाँ पे पानी टंकी बना हुआ है पैर वैर धोने के लिए। अभी जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसको पूरा सीढ़ी चढ़ के पैदल हमें मंदिर तक जाना है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब मैं धीरे धीरे करके सीढ़ी के सहारे मंदिर की ओर चढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी सीढ़ी का निर्माण जारी है। अब आप देख रहे हैं, ये इतना सीढ़ी चढ़कर हमें मंदिर के ऊपर तक जाना है। तो चलिए चलते हैं अब मंदिर की ओर।
अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है। यहाँ पर अभी कुछ कुछ निर्माण कार्य हो रहे हैं और ये जो सीढ़ी देख रहे हैं इतने को चढ़कर अभी हम मंदिर के ऊपर तक आए हुए हैं। अभी वाली रास्ता से थोड़ा थोड़ा करके हमें और ऊपर तक जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बैठने के लिए कुर्सियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर दुकानें जो कि नवरात्रि में लगती हैं। अब ये वाली सीढ़ी से हमें मंदिर तक जाना है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए अभी वाली रास्ता से ऊपर चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जब कभी इस मंदिर में आएँ तो अपने साथ पानी का बोतल लेकर अवश्य आएँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे अभी बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। अब मैं लगभग लगभग मंदिर के करीब पहुँचने ही वाला हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मंदिर की लास्ट सीढ़ी है जिसको मैं अभी चढ़ रहा हूँ। अब मैं मंदिर के टॉप में आ चुका हूँ। ये मंदिर का टॉप हिस्सा है। यहाँ पर देख सकते हैं पैर वैर धोने के लिए पानी का टंकी बना हुआ है। कुछ इस तरह से बना हुआ ये टंकी और नल लगा है। तो चलिए यहाँ पर हम पैर धोते हैं। ये मंदिर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं ये मंदिर के बाहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। जय माँ छुरिया देवी समिति मोहला। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। मैं अब धीरे धीरे करके मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर जाने का रास्ता कुछ इस तरह से है जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। अब मैं लगभग लगभग मंदिर के पास पहुँच ही चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें अपना जूता उतारना होगा। यहाँ पर जूता रखने का स्थान है। आप देख सकते हैं मंदिर का सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर की ओर। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मंदिर के सामने हिस्सा है। अब यहाँ पर कुछ कुछ सीढ़ी हैं जिसे चढ़कर हमें ऊपर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में अभी ताला बंद है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बंजारी माता का मंदिर है, कुछ इस तरह से बना हुआ है बंजारी माता का मंदिर। मैं आपको बंजारी माता की मूर्ति को जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है ये बंजारी माता का मूर्ति। ये मंदिर के सामने का हिस्सा कुछ इस तरह से बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। मैं एक बार और जूम करके दिखा देता हूँ माता का मूर्ति को। ये मंदिर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। मैं आपको धीरे धीरे करके यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये मंदिर के बाहर का नज़ारा अभी आप देख पा रहे होंगे। मंदिर अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाते ये मंदिर का नज़ारा। मैं अभी कुछ कुछ नज़ारा दिखा पा रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मंदिर बंद है, नहीं तो मैं इसका पूरा नज़ारा आपको अच्छे से दिखा देता। अभी जो आप देख पा रहे हैं ये मंदिर के बाहर का नज़ारा है। कुछ इस तरह से है मंदिर के बाहर का नज़ारा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अभी मैं आपको चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पर ज्योति कलश दानदाताओं के नाम लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर काली माता का मंदिर बना हुआ है। कुछ इस तरह से बना हुआ है काली माता का मंदिर और उसकी मूर्ति। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ काली माता की मूर्ति को। आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है ये काली माता की मूर्ति जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर बना हुआ है। आप अभी देख पा रहे हैं ये दुर्गा माता की मूर्ति है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही सुंदर ढंग से बना हुआ है ये मूर्ति। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भैरव बाबा की मूर्ति बनी हुई है जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कलश घर बना हुआ है। कुछ इस तरह से बना हुआ है कलश घर, आप अभी देख पा रहे होंगे। ये कलश घर के सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से बना हुआ है जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। ये मंदिर का सामने का नज़ारा कुछ इस तरह से है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं धीरे धीरे करके मंदिर के चारों ओर का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है मंदिर के चारों ओर का नज़ारा जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मंदिर के चारों ओर का जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के दूसरे साइड और वहाँ से देखते हैं मोहला का नज़ारा। वहाँ से मोहला का नज़ारा और नीचे वाली सूर्य बंजारी मंदिर का नज़ारा बेहद ही सुंदर लगता है। यहाँ से हम मेन रोड का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ से नज़ारा।
यहाँ से आप मोहला शहर का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से बेहद ही खूबसूरत मोहला शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। और ये नीचे आप जो सड़क देख रहे हैं, ये मोहला मानपुर और अम्बागढ़ चौकी वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये रास्ता को। और इसी के जस्ट नीचे आपको ये सूर्य बंजारी का मंदिर भी है, जिसको अभी हम दर्शन करके आए हैं, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। और ये वाली रोड जो देख रहे हैं, ये अम्बागढ़ चौकी की ओर जाती है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काली माता की मूर्ति रखी गई है। यहाँ पर तुलसी माता बना हुआ है, कुछ इस तरह से बना हुआ है तुलसी माता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ देवता बने हुए हैं, जिसको मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है ये देवता, आप अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पंचमुखी हनुमान भगवान का मूर्ति, जो कि अभी निर्माण हालत में है, यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए मैं आपको मंदिर के इस ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है, जो कि नीचे वाली बंजारी माता की ओर से आती है। अब मैं आपको यहाँ से मंदिर के चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है मंदिर के चारों ओर का नज़ारा। मैं आपको धीरे धीरे करके मंदिर के चारों ओर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। अब जो आप ये सीढ़ी देख रहे हैं, इसे चढ़कर हमें मंदिर के ऊपर तक जाना है। तो चलिए चलते हैं। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ी के सहारे मंदिर के ऊपर तक जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं लगभग लगभग मंदिर की टॉप की ओर अभी पहुँचने ही वाला हूँ। अब मैं मंदिर के टॉप में पहुँच चुका हूँ। अब देखते हैं यहाँ से मंदिर का नज़ारा। यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब इसके चारों ओर घूम कर देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे अभी कुछ कुछ भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिसको मैं अभी घूम घूम कर चारों ओर देख रहा हूँ। बहुत सुंदर ढंग से बनी हुई यहाँ की मूर्तियाँ, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ और आप भी अभी देख पा रहे होंगे यहाँ की मूर्तियों को। यहाँ पर देख सकते हैं शंकर भगवान का मूर्ति बना हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान भगवान का मूर्ति बना हुआ है। बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ है ये मूर्ति। यहाँ पर देख सकते हैं ऋषि मुनि का मूर्ति बना हुआ है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर कुछ देवी की मूर्ति बनी हुई है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे। अब एक बार यहाँ के नज़ारा एक बार अच्छे से देख लें। मैं आपको चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से बना हुआ है। मैं आपको चारों ओर घूमकर यहाँ के चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है, जिसको आप अभी देख पा रहे होंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। तो चलिए आप धीरे धीरे करके ये सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का। तो चलिए अब देखते हैं ये नीचे कुछ कुछ जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, आप अभी देख पा रहे होंगे ये वही मूर्तियाँ हैं जिसको मैं अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। तो चलिए एक बार और इसके दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है। ये टावर कुछ इस तरह से है, जो कि पहाड़ी में बना हुआ है। इसका नज़ारा मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से लगा है ये टावर। अब आप यहाँ से मोहला शहर का नज़ारा देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मोहला शहर है। बहुत ही सुंदर नज़ारा मोहला का। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये मेन रोड है, जो कि अम्बागढ़ चौकी और मोहला मानपुर वाली है। और ये नीचे वाली सूर्य बंजारी मंदिर है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे। इस रास्ते में देख सकते हैं अभी बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, जैसे कि आपको अभी दिखाई दे रही होगी। और ये वाली रोड जो आपको दिखाई दे रही है, ये अम्बागढ़ चौकी की ओर जाएगी। ये सामने जो पहाड़ी देख पा रहे होंगे आप, यहाँ मुंगेश्वर महादेव का मंदिर है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये पहाड़ी में मुंगेश्वर महादेव का मंदिर है। फिलहाल ये भगवान अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगा, उसके लिए दूसरी पहाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। इसके जाने के लिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। यहाँ से जाना पड़ेगा, ये नीचे वाली मुंगेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ से जस्ट सीढ़ी चढ़ के हमें कुछ इस तरह से यहाँ से चलते चलते यहाँ ऊपर तक मंदिर तक जाना पड़ता है।
अब आप यहाँ से मंदिर के नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। ये मंदिर के नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हनुमान भगवान का मंदिर है कुछ इस तरह से। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके मंदिर से नीचे की ओर चलते हैं। मैं अब धीरे धीरे करके मंदिर के नीचे की ओर उतर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं अब धीरे धीरे करके मंदिर के नीचे की ओर पहुँचने ही वाला हूँ। अब मैं मंदिर के नीचे पहुँच चुका हूँ। अब आप यहाँ से मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं। ये हनुमान भगवान का मंदिर कुछ इस तरह से बना हुआ है और ये ऊपर वाली मंदिर है जहाँ से हम अभी आए हुए हैं। और ये मंदिर के चारों ओर का नज़ारा कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पानी का टंकी बना हुआ है। तो चलिए इसको आगे जाकर देखते हैं। यहाँ पर कुछ पानी भरा हुआ है जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। एक बार और यहाँ से मंदिर के चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है मंदिर के चारों ओर का नज़ारा, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हनुमान भगवान का मंदिर है। तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। मैं अब धीरे धीरे करके हनुमान भगवान के मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर में ताला बंद है, फिर भी चलो मैं आपको अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह से हनुमान भगवान है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हनुमान चालीसा लिखा गया है, इसको भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे हैं हनुमान भगवान के मंदिर का नज़ारा। यहाँ पर मंदिर की कुछ कुछ जानकारी लिखी गई है, आप जानकारी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर से बाहर और नीचे की ओर चलते हैं। मैं अब धीरे धीरे करके मंदिर के नीचे की ओर जा रहा हूँ। अब ये जो रास्ता देख रहे हैं, इसके सहारे हमें धीरे धीरे करके मंदिर के नीचे तक जाना है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के नीचे ओर। फाइनली अब हम मंदिर के नीचे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये मंदिर के नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से। यहाँ पर अभी निर्माण कार्य जारी है, यहाँ पर कुछ कुछ निर्माण हो रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गाड़ी रखी हुई है। अब आप यहाँ से मंदिर के नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। ये नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से हमें मंदिर से वापस जाना है। तो चलिए चलते हैं वापस मोहल्ला और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।